और चलिए अलवर की बात करेंगे, जहां पर रेंज आईजी उमेश दत्ता आज अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए आईजी उमेश दत्ता ने बताया कि आगामी दिनों में चुनाव और वर्तमान में अग्निवीर भर्ती समेत भारतीय भर्ती को लेकर की अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि किस तरह से इन कार्यक्रम को पूर्ण करवाया जा सके। परिदृश्य में विदिन द रेंज किए गए हैं, जैसे किसी ने 3 साल एक जिले में कंप्लीट कर लिए, उनका रेंज के अंदर हुआ है। इस समय आपका अहम वो वाला जो पार्ट है वो रेंज के अंदर का है, तो ये दोनों एक विभिन्न है। हाँ, उनको क्योंकि ये आपका ये जो आयोजन है इसमें जो कोर डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस समय उनको जो इलाके की नॉलेज उनको रखा गया है, और उसके अलावा बहुत सारे अधिकारी गण दिए गए हैं। उनमें काफी ऐसे भी हैं जिनको कभी ना कभी यहाँ अलवर में रहने का तजुर्बा रहा हो, वो हो सकता है डिप्टी एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एसएचओ हो, अलग अलग उनको भी जो भी रेंज में उपलब्ध थे उनको भी अलग से मुहैया करवाया गया है और वो फोर्सेस दी गई हैं, ताकि जो यहाँ पर ऐसा ना हो कि उस अधिकारी को यहाँ का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो।